दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं नैनीताल का एक 360 व्यू देता हूँ। हे दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है एक नए व्लॉग में और गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है 11:14 और हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं। होटल में काफी अच्छा लगा, काफी अच्छी हॉस्पिटैलिटी थी, काफी मजा आया, खाना भी अच्छा था तो, और काफी रीजनेबल प्राइस में भी था। बताए अभी हम जा रहे हैं ताल के पास। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको उसका नाइट व्यू दिया था, अब हम दिखाएंगे आपको उसका दिन का व्यू। तो दिन का व्यू देखते कैसा है। और हालांकि वहाँ पे तो ये भैया जो रात का व्यू देखने के लिए लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं। और मेक श्योर जब आप यहाँ पर आओ नैनीताल तो हमेशा आप होटल पहले से ही बुक कर लो, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे आपको होटल फिर मिलते नहीं। बहुत से लोग तो अभी भी, मेरे को मेरा दोस्त कह रहा था भाई हम लोग गए होटल, हमें लगा कि होटल मिल जाएगा लेकिन हम फिर कार में सोए रात भर। तो मेक श्योर कि आप होटल पहले से बुक कर लो। सो यार चलते हैं आगे को। तो अभी हम पहुंचे यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि नैनीताल का फेमस है, यहाँ पर एकमात्र क्रिकेट ग्राउंड है और यहाँ पर मैच चल रहा है अभी। और ये देखिए कार्तिक को, सचिन सचिन सचिन। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग ताल के पास द्वार से पहुंच चुके हैं। मैंने आपको यहाँ से इसी जगह से एग्जैक्ट मैंने आपको नाइट व्यू दिखाया था वो पिछले वाले व्लॉग में, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ डे व्यू। और यार डे में तो यार जब ये धूप पड़ रही है ना तो ताल बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वहाँ पे चल रहा है क्रिकेट मैच जहाँ पे मैं सचिन, वहाँ पे दो प्लेयर देख के मेरे को हंस रहे थे भाई ये कर क्या रहा है। बिकॉज वी आर सैविजेस, हम लोग वो काम करते हैं जो कोई और नहीं करता। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ताल का व्यू। दोस्तों जाते आते आपको माल रोड का दिन का व्यू देख सकते हो आप। रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले जब अंग्रेजों का जमाना हुआ करता था तब यहाँ पे इस रोड को तब बनाया गया था, तब वो बनाया गया था उसके हिसाब से, जमाने के हिसाब से। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि भाई ये इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा, टूरिस्ट प्लेस, कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हो जाएंगी। यहाँ पे तो यार गर्मियों में ना जब एकदम प्रॉपर जो सीज़न रहता है उसके बाद तो भाई यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं मिलती। बताए जैसे कि आप देख सकते हो रोड कितनी छोटी सी, देखो मैं 1 2 3 4 चार कदम में रोड ख़त्म। सामने शायद गाड़ी आ रही है तो देख लो, 1 2 3 4 रोड ख़त्म। यार मतलब इतनी छोटी रोड और यहाँ पे वो गर्मियों के टाइम में कितनी गाड़ी आती है, यहाँ पे तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाता है। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम कर रहे हैं बोटिंग। इसमें 210 का आपको फुल राउंड मिलता है नैनीताल का, और 160 में हाफ मिलता है। तो अभी रवि सर और मैं इधर हैं, रवि सर अकेले बैठे हैं। अगर सीधी बात, अगर मैं भी बाजू में बैठ जाऊँगा बोट ऐसे उल्टी पलट गई, मैं इकलौता लड़का हूँ, अपने घर वालों का बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। आपको भी? मेरे को भी अच्छा लग रहा है, दोनों को अच्छा लग रहा तो अच्छा ही बोल देते। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग बोटिंग करके आ चुके हैं नैना देवी मंदिर के पास। आपको शायद पता ना हो कि नैनीताल का जो नाम पड़ा है वो नैना देवी मंदिर के ऊपर ही पड़ा है। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग भोटिया मार्केट के बीच में आ चुके हैं, नैना देवी मंदिर उधर पर है। बाकी मैं एक बार आपको कैसे दिखाया था, दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आपको मैं नैनीताल का एक 360 व्यू देता हूँ। हालांकि मेरे पास कोई 360 कैमरा तो नहीं है लेकिन मेरा एक्शन कैमरा है। शुरू करते हैं। ये आपका नैनीताल का पार्किंग एरिया है, वहाँ पे आपका भोटिया मार्केट, नैना देवी मंदिर, पीछे आपका ताल हुआ, वहाँ पे माल रोड हुई, यहाँ पे आपका ये रोप वे जाने वाला रास्ता यहीं से हुआ, उसके बाद ये रहा क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ का वो सामने मस्जिद। आई होप मैं आपको एक छोटा सा एक 360 व्यू दे पाया होगा। अब चलते हैं, रवि सर मेरा तब से वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। चलो, ज़्यादा इंतजार तो नहीं कर रहा यार। चलो ऑलरेडी दोस्तों, हम लोग नैनीताल से बाहर आ चुके हैं और एक बेटा बाय नैनीताल, मैं बाय करना भूल गया था।
तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रूम का एक टूर दूंगा, तो ये आपके लिए टूर, रोल द क्लिप। मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में रूम का एक छोटा सा टूर दे दूंगा। आप देख सकते हो ऐसी ये है लॉबी, और जहाँ से जब आप एंटर करोगे रूम नंबर 203, तो जब हम यहाँ से आओगे तो यहाँ पे आपको एक शीशा मिल जाएगा पीस। यहाँ पे जब आप आओगे यहाँ पे आपको मिल रखा है अच्छा खासा गीज़र। फिर जब आप इधर को आओगे तो यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है ये वाला टीवी, और यहाँ पे आपको रवि सर भी मिल जाएंगे पानी पीते हुए। तो ये रूम आपको मतलब ज़्यादा मतलब भयंकर तो नहीं है। अब यार एक चीज़ सोचो, जब हम निकले थे हमारा से 20 मिनट के अंदर प्लान बना था कि भाई चलो नैनीताल चल रहे हैं। फिर तो मैंने पापा को फ़ोन किया कि ऐसे हो रहा है रवि सर और मेरा कहीं जाने का नैनीताल को, तो पापा ने फिर यहाँ पे पता नहीं किसको फ़ोन किया, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ये रूम बुक हो गया। सुबह होटल से चेकआउट करते टाइम में मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर मिले थे, सॉरी यार मैंने आपको 20-25 मिनट इंतज़ार करवा दिया, रोल द क्लिप। ऑलराइट दोस्तों, हम लोग ने होटल से चेकआउट कर चुके हैं। ये टूरिस्ट रेस्ट हाउस है सुगाताल में, केएमवीएन का, हाँ टीआरसी। और मेरे को मेरे एक सब्सक्राइबर मिला है, नाम क्या बताया, मेरा नाम पुष्पेश मेहता, पुष्पेश मेहता। और मैं इनकी सारी वीडियो देखता हूँ ज़्यादातर, और मेरा टेक का यूट्यूब चैनल है, आप जाके चेक कर लीजिए। मैं कमेंट में आपको यहाँ पर कोई कमेंट में लिख दूंगा। अच्छा। और उसमें मैंने करीबन 20+ मैंने वीडियोज अपलोड कर दी। चैनल का नाम क्या है? पुष्पेश मेहता नाम से है, टेक यूट्यूब चैनल है। ओके ओके, तो अभी क्या करते हो? अभी 12th में हूँ मैं, सैम। अच्छा। बोर्ड के पेपर, चलो भाई ऑल द बेस्ट। अभी नहीं, 12th में गया हूँ। अरे 12th में गए, ओके कोई नहीं, दोबारा से एक तरफ पहले से ही ऑल द बेस्ट। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 1:40, अभी हम जा रहे हैं हल्द्वानी को, मैं अपने घर निकल जाऊंगा, सर फिर जाएंगे अपने घर पंथनगर, उसके बाद कल सुबह जा रहे हैं आपको रेवाड़ी। हाँ, तो सर फिर कल सुबह रेवाड़ी अपने घर चले जाएंगे। सर आपको कैसा लगा नैनीताल का ट्रिप? बहुत अच्छा, खासकर कार्तिक की कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग नैनीताल से जब घर को आ रहे थे दो गाँव में, मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिले भैया, नाम क्या हुआ आपका? पवन। आपका? तरुण। तरुण, तो अभी हम इन्हीं के उधर बैठे थे आनंद भोजनालय में दो गांव में, यहाँ से जब आप नैनीताल से आओगे इधर को रुके थे, चाय काफ़ी अच्छी थी, थैंक यू। आज मेरे सब्सक्राइबर बहुत मिल रहे हैं, नाइस टू मीट यू। चलो चलो आना कभी, ठीक है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों टाइम हो गया है 2:52 और मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। यहाँ से सर अपने घर को अकेले जाएंगे, है रवाना हो जाऊँगा मैं, यहाँ से रवाना। तो सर मजा आया बहुत, अगली बार चलेंगे कोई अच्छी जगह चलेंगे और इंटरटेनिंग कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल में नए हो तो यार रवि सर का दो चैनल है, एक तो जिसमें वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो चढ़ाते हैं और दूसरा जिसमें वो व्लॉग चढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेटिव जो चैनल है उसका नाम है देसी ड्राइविंग स्कूल, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और दूसरे चैनल की भी मैं दे दूंगा #promotion। ओके सर, मिलते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय। चलो ऑलराइट दोस्तों, मैं अपने घर के अपने रूम के अपने बिस्तर पर बैठ चुका हूँ, और सबसे पहले तो सॉरी यार मैं लास्ट ब्लॉग में शॉर्ट आउट देना भूल गया था, तो आप देख सकते हो मैंने एक साइट खोल रखी है, तो इसको मैं एक बार आपके सामने रिफ्रेश मार देता हूँ, कहीं आप लोग बोलो कि यार किसी एक को मतलब जबरदस्ती दे दिया होगा। तो ये होगी रिफ्रेश, अब हम नीचे आते हैं, नीचे यार ये रहा URL में, मैं इसका URL पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार सर्च में कर देते हैं, हो गया सर्च, अब हम करते हैं स्टार्ट, देखते हैं कौन होता है शॉर्ट आउट का विनर। तो शॉर्ट आउट का विनर अनाउंस होने वाला है जल्दी, और ये हो गया, तो विनर है इसके हरजोत मंदेर जी, वो कहते हैं नाइस, थैंक यू भाई आपने कमेंट किया, और बाकी सबको भी थैंक यू जिन्होंने वीडियो के नीचे कमेंट किया। और दोस्तों मैं आपको ब्रावो में बाद में दिखाऊंगा, अभी वो फिलहाल जरूरी काम से गया हुआ है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको उससे मिलाऊंगा। और नैनीताल में ऐसा नहीं कि जितना मैंने आपको दिखाया सिर्फ उतने ही घूमने की जगह, वहाँ पे घूमने की जगह और भी बहुत सारी है, हमारे पास टाइम कम था तो मैं आपको कम ही सा दिखा पाया, लेकिन रवि सर के संग घूमने में काफ़ी मजा आया। और अगर आप ये वीडियो जहाँ तक देख रहे हो तो यार लाइक जरूर मारना, यार डिसलाइक मत मारना यार, बहुत बुरा लगेगा, वरना मुझे लाइक ही मारना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि यार इंडिया में कोई तो ऐसा है जो आपको सिर्फ व्लॉग में अपनी स्टोरी दिखाने के साथ साथ आपको एंटरटेन करने की भी कोशिश करता है, तो ये इंडिया में एकदम ब्रांड न्यू मैं एक तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ कि यार एंटरटेनिंग तरीके से अभी मैं भी थोड़ा खुलूंगा कैमरे के सामने, हालांकि इतना नहीं हो पा रहा अभी मुझसे, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप इस वीडियो में नए हो, तो यार मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सच्चन वो भी मुझे देख रहा है।
है।